महेंद्र सिंह धोनी और नरेंद्र सिंह धोनी ये दो नाम हैं जो एक ही माँ बाप से पैदा हुए, एक साथ पले बड़े, लेकिन अब उनकी राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। दोनों के रास्ते इतने अलग हैं कि जब नरेंद्र धोनी कुछ साल पहले अस्पताल में भर्ती थे तो माही उनसे मिलने तक नहीं गए थे, जबकि वो उसी शहर में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। नरेंद्र सिंह धोनी माही के बड़े भाई हैं, जिसके बारे में आज तक खुद माही ने भी कोई जिक्र नहीं किया। और जब धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनी उसमें भी माही ने अपने बड़े भाई को इस लायक नहीं समझा कि फिल्म में उनके बारे में हल्का सा ही बता दिया जाए, जबकि फिल्म में माही के जीजा कई बार देखे जा सकते हैं। इसलिए जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इस मुद्दे पर माही को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, जबकि यही बात जब माही के बड़े भाई से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये सब तो डायरेक्टर जाने, उन्हें माही की जिंदगी में मेरा रोल अहम नहीं लगा होगा, इसलिए फिल्म में मेरा जिक्र नहीं किया होगा, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। नरेंद्र धोनी के बारे में कहा जाता है कि 19 जनवरी 2013 को भारत इंग्लैंड मैच के दौरान अपने भाई को खेलते हुए देखने के लिए नरेंद्र ने आम शख्स की तरह लाइन में लगकर टिकट खरीदी थी। इतना ही नहीं, रांची में बने धोनी के जिस घर के बाहर रोजाना हजारों की संख्या में फैंस जमा हो जाते हैं, उसे माही के बड़े भैया ने अपनी मेहनत से बनवाया है। साल 2009 में जब ये मकान बन रहा था तो धोनी मैच के सिलसिले में घर के बाहर ही रहते थे। घर में होते थे उनके बड़े भाई, तब उनके भाई ही घर की देखरेख करते थे। इसको बनवाते वक्त भी खून पसीना नरेंद्र ने ही बहाया था। 2 अप्रैल 2011 में वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तब पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया था। भीड़ के इस जश्न में एक नाम नरेंद्र धोनी का भी था। नरेंद्र सिंह ने रांची में घर के बाहर फैंस के साथ खूब आतिशबाजी की थी। ये सब देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जब इतना प्यार था, साथ था, तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि जिस मकान को बनवाने में नरेंद्र सिंह धोनी ने अपना पसीना बहाया, दिन रात एक कर दिया था, आज उस घर के छत के नीचे दोनों भाई साथ भी नहीं रहते। अब ना तो नरेंद्र धोनी अपने भाई के मैच देखने जाते हैं, ना ही उनकी जीत पर जश्न मनाते हैं। मीडिया में बेशक दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन नरेंद्र के मन में भाई धोनी के लिए रत्ती भर भी कड़वाहट नहीं है। फिल्म में उनके किरदार को ना दिखाए जाने पर वो सपाट जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो डायरेक्टर की मर्जी है ना, मेरा माही की जिंदगी में इतना योगदान है ही नहीं कि फिल्म में मेरा रोल होता। फिल्म माही की जिंदगी के बारे में, उसके परिवार के बारे में नहीं। इंटरव्यू में वो धोनी से अपने रिश्ते को लेकर भी ईमानदारी से बात रखते हैं। नरेंद्र और माही की उम्र में कई साल का फासला है और इसी को वो अपने भाई से दूरी की वजह भी बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं उससे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ। जब तक माही ने जिंदगी में पहली बार बैट उठाया था तब तक मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर जा चुका था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन माही की जिंदगी में हमेशा उसके साथ में खड़ा हूँ। मेरा लगाव कभी कम नहीं हुआ, लेकिन मेरे जज्बातों को फिल्म में दिखाना शायद मुश्किल हो जाता। नरेंद्र बिल्कुल साफ मन से कहते हैं कि वो अपने भाई को क्रिकेटर बनते देख नहीं पाए, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि उन्होंने कभी माही का कोई मैच देखा ही नहीं। वो कहते हैं कि जब मैं छुट्टियों पर घर आया करता था तो धोनी का मैच जरूर देखा करता था। मुझे याद है जब उसने पहली बार रांची में पहला बड़ा टूर्नामेंट खेला, उस मैच में उसने एक ओवर में 5 चौके मारे थे, वो बहुत शानदार मैच था। उसके बाद भी मैंने उसके कई मैच देखे। नरेंद्र कहते हैं कि माही को शायद उनके साथ बिताए वक्त याद ना हो क्योंकि वो तब काफी छोटे थे। बचपन में माही से दूर होते हुए भी नरेंद्र अपने छोटे भाई से किसी भी मनमुटाव को साफ नकारते हैं। वो कहते हैं कि धोनी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो माही पर गर्व भी करते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत के बूते एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। खैर, नरेंद्र के दिल में अपने छोटे भाई के लिए चाहे कितना भी प्यार हो, लेकिन ये प्यार लगता तो एक तरफा ही है। नहीं तो धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनी और उसमें बड़े भाई का जिक्र ना हो, ये बात कई लोगों को खटकती जरूर है। फिलहाल माही के बड़े भाई एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपना खुद का रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिसमें वो देश के जवानों को और उनकी फैमिली को जिंदगी भर 25% का डिस्काउंट देते हैं।